वेलकम टू ट्रैक विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AGTA प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को देख चुका हूं और इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर के 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको 20 मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कृषि विज्ञान के, जो कि आपके AGTA, ESTA और केंद्र सुपरवाइजर इन भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, क्योंकि जितने कम समय में मैं आप लोगों को 20 MCQ दे रहा हूँ, इतने कम समय में शायद ही कोई YouTube पे दे रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं थोड़ा सा रुक के आंसर रिप्लाई करूँगा, जिससे कि आप लोग अपना राइट आंसर पहले घुस कर सकें, ठीक है। तो पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा था कि भारत में तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है। तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फलों में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का है। इसका राइट आंसर है केला, और केला का उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है मैंगो, आम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो टोटल उत्पादन का लगभग 20 से 21% उत्पादन करता है अंडे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक KVK किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट में यूपी में लगभग 89 KVK आपको देखने को मिलेंगे, और तो ऑल इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने KVK स्थित हैं, ये आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले पालना शुरू किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भेड़, कुत्ता, बकरी या गाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भेड़ है, तो भेड़ जो है वो कृषि के लिए पहला जानवर जो है पाला था, लेकिन यहाँ पे जो पहला जानवर था वो कुत्ता था। तो कुत्ता का जो पालन शुरू किया है मनुष्य ने, तो ये शिकार के लिए पालन शुरू किया था, और ये लगभग 10,000 BC पहले कुत्ते का पालना शुरू किया था। भेड़ का जो है वो लगभग शुरू किया था 8700 BC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर है 7500 BC। गेहूं और आपकी जौ की खेती दोनों एक साथ शुरू हुई 7500 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की खेती कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 3500 BC। नेक्स्ट है, गन्ने की खेती कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार की खेती कब शुरू हुई। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 1725 BC। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 AD। AD मतलब एनोडेमिनी सेंचुरी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। 1600 AD होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता की खेती कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 AD।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? भारत मौसम विज्ञान संस्थान। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। तो ये प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में स्थित है आपका, जिसको शॉर्ट में IMD बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD की स्थापना कहां पर की गई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। देखिए यहाँ पे कुछ लोग पुणे बोलेंगे, लेकिन पुणे नहीं होगा, क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, वहाँ पे ये आंसर जो दिया गया उसका आंसर कलकत्ता दिया गया। और आप इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी IMD नाम से सर्च करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या अबाउट IMD सर्च करेंगे, तो उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें, 1875 में IMD की स्थापना जो है वो कलकत्ता में की गई थी। उसके बाद ये आपका ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया शिमला में। और ये शिमला में कब आया था आपका? 1905 में। इसके बाद ये पुणे में आया 1928 में, ठीक है। उसके बाद अब ये दिल्ली में आया 1944 में। तब से लेके अभी तक ये दिल्ली में ही स्थित है। ये सब आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, अब जो अपडेटेड बुक्स आती हैं उनमें भी यही दिया गया है। नेमराज सुंडा जो आप बुक लेटेस्ट देख सकते हैं, उसमें भी यही दिया गया है। और अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसमें भी यही आंसर सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI शॉर्ट में बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिमला, भोपाल या देहरादून? इसका राइट आंसर होगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में IARI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, जो कि भूकंप आया था और उसमें ये तहस नहस हो गया था, उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट किया गया था, लेकिन पहले ये पूसा बिहार में ही स्थित किया गया था 1905 में IARI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे साल नहीं दिया गया है, यहाँ पे डेट दी गई है 5 जून, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 9 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 16 जुलाई, क्योंकि ये 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPPQNDS कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, फरीदाबाद, लखनऊ या नागपुर। इसका राइट आंसर होगा आपका फरीदाबाद। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आयोग में शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और उसकी लॉन्ग फॉर्म नहीं देते हैं। तो DPPQNDS का जो होगा फुल फॉर्म वो होगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ये आपका है फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRRI किस राज्य में स्थित है? CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT की स्थापना कब हुई? GATT GATT की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, ये हुई थी 1948 में। तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए, और आपके लिए अब आज का क्वेश्चन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1960, 1963, 1966 या 1969। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो फिर इसका राइट आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और एक बात और बताइएगा आप लोग कमेंट करके, कि जो मैंने 20 क्वेश्चन अभी करवाए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।